Hi Akshay, welcome to apniisp.com. So how are you doing? I'm absolutely fine. Thank you very much. Okay, so first of all, tell me something about your movie Houseful and your role in the movie. Well, I'm playing a bad luck, I think. And aisa insaan jo sivay bad luck ke uske paas kuch nahi hai. Okay. One second. हाँ बताएं. So, एक ऐसा इंसान जो सुनाई दे रहा है ना. जी जी बिल्कुल. एक ऐसा इंसान जो और उसकी किस्मत सिर्फ तब बदलेगी जब उसे सच्चा प्यार मिलेगा. ओके. लेकिन उसको सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है बेचारे को, क्योंकि बैड लक इतनी है. और जब मिलता है तो उसकी गुड लक इतनी हो जाती है कि एक नहीं उसे तीन के लिए. अच्छा, तो हाउ डिड यू गेट इनटू द मूवी, मतलब आपको ये ऑफर किस तरीके से मिली इस मूवी की? अजीत मजूमदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. ओके. मुझे ऑफर की, मैंने कर ली, मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने कर लिया. अच्छा, तो हाउ वाज योर सेकंड वर्किंग एक्सपीरियंस विद साजिद खान? अक्षय जी शोर बहुत आ रहा है हवा का. अच्छा, अभी अभी आ रहा है? नहीं, अब सही है. How was your second experience working with Sajid Khan? Sajid के साथ तो बहुत ही मजा आता है. मैं उसका, वो मेरा बचपन का दोस्त है और वो हमेशा एक ऐसी हास्य फिल्म बनाना चाहता है जिसने, मतलब उसकी जिंदगी में कभी मैंने ये नहीं देखा वो इंसान कभी रोया हो या किसी को उसने रुलाया. वो सिर्फ हंसता ही रहता है. अच्छा. और उसको जिंदगी में सबको हंसाना ही है. उसकी जो समझना है उसको. आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है? हाँ आ रही है, फिर चली गई. अवेलेबल है. उसको ऐसी फिल्म बनानी है जो सारी उम्र सबको हंसते ही रहे. और अगर आपने देखी उसकी हेयर स्टाइलिंग भी ऐसी थी, ये भी ऐसी है. मैंने उसको एक दिन पूछा था कि ये तू इतने हंसने वाली फिल्में क्यों बनाना चाहता है, कभी थोड़ी इमोशनल भी बना लिया कर, रोमांटिक बना लिया कर. यार बोर होना भी चाहता है जिंदगी में. खुद जब फिल्म देखने आता हूँ तो मुझे भी मजा आता है कि मैं कोई हास्य फिल्म देखूँ. आज के जमाने में आप न्यूज खोल लो या पेपर पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, यही नजर आता है कि चार मारे गए, तीन उठाए गए, एक को किडनैप कर लिया, दो रेप हो गए. तो ऐसी ऐसी कोई खबरें सुनाओ जिसमें हंसना ही पड़ेगा. इसलिए उसके बाद बहुत मजा आता है फिल्म करके. Okay, so among Deepika, Lara and Jia, who do you think is a better actress? Well, I think Lara has improved a lot because uski jo comic timing hai aur wo jis hisab se khuli hai, it's amazing. Main uski jhanka uski pehli film thi mere saath hi thi Andaaz. Aur abhi awaaz nahi aa rahi sir. अभी सुनाई दे रहा है? नहीं, अब आ रहा है. ये हवा, आप बाइक पे ना, इस वजह से हवा की आवाज. अब सही है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि विच इज योर फेवरेट सॉन्ग इन द मूवी? फेवरेट सॉन्ग है वो लावारिस का गाना है, आपका क्या होगा जनाब. ओके, दोनों की आप आई थिंक बात करें, राइट? हाँ, दोनों. Okay, so you have done all kind of movies like action, romantic, comedy. So आपको किस तरीके का काम करने में ज्यादा मजा आता है? मुझे कॉमेडी में मजा आता है. लोगों, मैं भी अपने चीज चीज करके सबसे यही बोल, मैं भी गाना आजकल काम. आवाज नहीं आ रही सर. ऐसा आजकल हंसना काम मिलता है, इसलिए हास्य फिल्म करना चाहता है. अच्छा. ओके सर, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग अ फैन एवर डिड? आपको इतने सारे फैन मिले होंगे, कभी किसी फैन ने कोई ऐसी चीज की हो जो आपको आज तक याद हो? द क्रेजीएस्ट थिंग अ फैन इज हैज थॉट कि आई एम मैरिड टू हर एंड मुझे ये बोल गई कि भैया आप मेरे पति हो. अरे, मैंने बोला क्या हुआ. That was very funny and because I think she was mentally not well. Oh, so
सो आई थिंक सो. ओके सो विच विल बी योर नेक्स्ट मूवी आफ्टर हाउसफुल? विच विल बी माई नेक्स्ट मूवी आफ्टर हाउसफुल इज कॉल्ड खट्टा मीठा. सॉरी खट्टा मीठा. खट्टा मीठा. खट्टा मीठा. Okay, in the end, I would like you to give a message to the visitors of apniisp.com and your fans in Pakistan. मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में अगर आपने सफलता पानी है तो सबसे बढ़िया काम यही होता है कि अपने माँ बाप के चरण छू के जब भी काम पे निकला करें, अपने माँ बाप के चरण छू के निकला करें. Okay, Akshay, thank you so much for taking your time for interview. Thank you very much.